टाइम हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाने वाला होता है, प्रोडक्शन को जाने से पहले हम लोग एसआईटी में उसको टेस्ट करते हैं। एसआईटी में बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग हमने देखे हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। बिफोर फंक्शनल टेस्टिंग आप परफॉर्म करो, उससे पहले आप लोग बिल्ड स्टेबल है क्या इसको चेक करने के लिए आप लोग स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। स्मोक के बाद गाइज आप फंक्शनल टेस्टिंग स्टार्ट करते हो, फंक्शनल नॉन फंक्शनल करते हो। फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग परफॉर्म करते टाइम अगर आपको डिफेक्ट आता है तो सबसे अगर आपको बग मिलता है तो आप बग इंट्रोड्यूस बग को रिपोर्ट करते हो डेवलपर को, डेवलपर मॉडिफिकेशन करके देता है तो आप रीटेस्टिंग करते हो, फिर आप रिग्रेशन टेस्टिंग करते हो। आप रिग्रेशन करने के बाद सारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद गाइस लेट्स से आप एस आई टी से यू आई टी मूव कर रहे हो, आप सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करके दे देते हो, ठीक है। देन एस आई टी एनवायरमेंट से यू आई टी में जब आते हो अल्फा टेस्टिंग होता है, बीटा टेस्टिंग होता है। गाइज आपका एप्लीकेशन लॉन्च हो गया है, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अभी आपका एप्लीकेशन लाइव हुआ है और लाइव एप्लीकेशन में लाइव एप्लीकेशन को एंड यूज़र यूज़ करते हैं और एंड यूज़र यूज़ करते टाइम आपके एप्लीकेशन में कोई बग मिल जाता है, कोई बग मिल जाता है, कोई डिफेक्ट मिल जाता है जो कि आपके एसआईटी टेस्टर को या फिर यूएटी टेस्टर को नहीं मिला। आपके एसआईटी टेस्टर या फिर यूएटी टेस्टर को बग जो मिलना चाहिए था एप्लीकेशन में, बग एग्जिस्ट है करता है और वो बग आपके एसआईटी टेस्टर एंड यूएटी टेस्टर ने मिस कर दिया, बट इट इज़ फाउंड इन अ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एंड यूज़र को मिल गया। गाइस अगर कोई भी एप्लीकेशन में बग अगर एंड यूज़र को मिलता है तो इसके इसके वजह से आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, तो वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए गाइस आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे करियर में जितने कम हॉटफिक्स आए उतना अच्छा है, या फिर हॉटफिक्स ना आए तो उतना अच्छा है। तो गाइस व्हाट इज़ हॉटफिक्स? हॉटफिक्स का सिंपल सा डेफिनेशन या फिर सिंपल सा लॉजिक, द डिफेक्ट और बग मिस्ड इन एसआईटी एंड यूएटी, जो बग या फिर डिफेक्ट एसआईटी या फिर यूएटी में, द बग विच वी मिस्ड इन एसआईटी एंड यूएटी, द डिफेक्ट और बग विच इज मिस्ड इन एसआईटी एंड यूएटी, बट गाइस इट इज फाउंड इन प्रोडक्शन, इट इज फाउंड इन प्रोडक्शन या फिर बट इट इज फाउंड इन प्रॉड, प्रॉड लिखता हूँ मैं, प्रॉड मीन्स प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन पूरा ही लिख देते हैं गाइस, प्रोडक्शन और लाइव एनवायरमेंट में, लाइव एप्लीकेशन में अगर कोई बग मिलता है तो इसको आप बोलोगे हॉटफिक्स। द डिफेक्ट और बग विच इज मिस्ड इन एसआईटी एंड यूआईटी बट फाउंड इन प्रोडक्शन और इन लाइव एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज अ हॉटफिक्स, इज कॉल्ड एज हॉटफिक्स। ठीक है गाइस, हॉटफिक्स का मीनिंग समझ रहे? हॉटफिक्स मतलब जो बग या फिर डिफेक्ट आपको एसआईटी या फिर यूएटी में मिलना चाहिए था बट आपसे मिस हो गया, यू मिस्ड इट कम्प्लीटली, आपसे मिस हो गया। मिस होने के बाद ये किसी एंड यूज़र को गाइस ये बग मिला, ये बग जो है एंड यूज़र को मिल गया। सो एंड यूज़र को अगर कोई बग मिलता है प्रोडक्शन में, लाइव एनवायरनमेंट में, तो वो हॉटफिक्स बन जाता है। अगर हॉटफिक्स आता है तो क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर है वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आपके ऊपर जो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट वगैरह होता है वो भी थोड़ा कम होने की चांसेस है गाइज, या फिर आपके हाथ से प्रोजेक्ट जाने के चांसेस भी होता है आपके कंपनी से वो प्रोजेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस के पास प्रोजेक्ट है बट टीसीएस
के इंजीनियर्स या फिर टीसीएस के जो पर्टिकुलर टीम है, अगर उन्होंने वो प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, कोई हॉटफिक्स वगैरह आता है और क्लाइंट इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, तो क्लाइंट वो प्रोजेक्ट या फिर स्टेक होल्डर वो प्रोजेक्ट टीसीएस से निकाल के दूसरे कंपनी, फॉर एग्जांपल इंफोसिस, कॉग्निजेंट, असेंचर, किसी अलग कंपनी को भी वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इसीलिए आपको हॉटफिक्स ना आए उतना अच्छा है। बट गाइस वी आर ह्यूमन, हम लोग कोई मशीन नहीं है कि हम लोग 100% सारी चीज़ें एक्यूरेट ही कर पाएंगे। होता है गाइस कभी कभी कोई कोई बग आप SIT या फिर UAT में मिस कर देते हो, बट वो प्रोडक्शन में मिलता है। अगर वो बग या फिर डिफेक्ट प्रोडक्शन में मिलेगा तो उसका प्रायोरिटी क्या रहेगा, लो रहेगा कि हाई रहेगा? उसको फिक्स करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा कि सबसे हाई प्रायोरिटी रहेगा? करेक्ट गाइस, इफ हॉटफिक्स अकर्स, अगर आपका हॉटफिक्स आता है, इफ हॉटफिक्स अकर्स देन यू हैव टू फिक्स इट ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। आपके बाकी के जितने काम है गाइस वो सारे बाजू में रखो, नो मैटर आप कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आप कितने बिजी हो, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। आप सारे काम बाजू में रखो, सबसे पहले हॉटफिक्स को प्रायोरिटी दो, हॉटफिक्स को फिक्स करने का ट्राई करो गाइस। द हाईएस्ट प्रायोरिटी गोज टू योर हॉटफिक्स। इफ हॉटफिक्स अकर्स देन यू हैव टू फिक्स इट ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी। मे बी वी हैव टू कीप आर करंट वर्क ऑन होल्ड एंड वी मे हैव टू फोकस ऑन हॉटफिक्स। आपको हॉटफिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, डेवलपर के साथ बैठ के डेवलपर से वो फिक्स कराना पड़ेगा। डेवलपर से फिक्स कराओगे, बिल्ड मॉडिफाई होगा, रिग्रेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। बट रिग्रेशन से पहले आपको रीटेस्ट करके देखना पड़ेगा कि जो हॉटफिक्स एंड यूज़र को मिला है वो हॉटफिक्स फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये इंश्योर करने के लिए आपको रीटेस्टिंग करना पड़ेगा। रीटेस्टिंग करने के बाद रिग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद, रिग्रेशन वगैरह होने के बाद गाइस, आप लोग सैनिटी तो डेफिनेटली परफॉर्म करोगे, सारी चीज़ें अच्छी होती है तो अगेन आपका जो एप्लीकेशन में चेंजेस हुआ है, जो हॉटफिक्स आपने फिक्स किया है, वो प्रोडक्शन में फिर से रिलीज कर दोगे। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज गाइस। हॉटफिक्स कभी भी यूएटी टेस्टर जनरली गाइस, यूएटी टेस्टर हॉटफिक्स को फिक्स नहीं करता है, हॉटफिक्स को SIT में ही फिक्स किया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखो, हॉटफिक्स कभी भी SIT टीम के पास नहीं जाता है, हॉटफिक्स हॉटफिक्स कभी भी UAT के पास नहीं जाता है, हॉटफिक्स हमेशा SIT टीम के पास आता है, बिकॉज एप्लीकेशन को डेवलप SIT टीम ने किया है, नॉट द UAT टीम ने। तो अगर हॉटफिक्स आता है तो UAT टीम उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बट SIT टीम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर कोई हॉटफिक्स आता है तो SIT टीम हैज़ टू फिक्स इट, SIT टीम हैज़ टू टेस्ट इट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सो दिस इज हॉटफिक्स। और अगर गाइज हॉटफिक्स हमें नहीं पता, हॉटफिक्स फ्राइडे को भी आ सकता है, फ्राइडे नाइट को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, सैटरडे को भी आ सकता है, संडे को भी आ सकता है। अगर हॉटफिक्स आता है, आप जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में गाइज आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आपको ये हॉटफिक्स के ऊपर प्रायोरिटी के साथ काम करना ही पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपकी गलती है। आपने SIT में टेस्ट किया है, आपने UAT में टेस्ट किया, दो अलग अलग टीम ने टेस्ट करके भी कोई डिफेक्ट मिस हो जाता है आपसे, और प्रोडक्शन में लाइव यूजर को, एंड यूजर को मिलते हैं, तो इसको आप लोग हॉटफिक्स बोलोगे। अगर हॉटफिक्स आता है गाइस तो आपके ऊपर
करियर की मतलब आपके करियर के ऊपर भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है अगर हॉटफिक्स बहुत मेजर रहा, बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा यू नो क्रिटिकल डिफेक्ट था। ये तो गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए था, फिर भी आपने मिस किया। अगर ऐसे डिफेक्ट आपसे मिस हो जाते हैं और एंड यूज़र को मिलते हैं, या फिर स्टेक होल्डर को, या फिर आपके क्लाइंट इनको अगर क्लाइंट को अगर मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग हॉट फिक्स बोलोगे। एंड हॉट फिक्स आर वेरी वेरी सीवियर गाइस। हॉट फिक्स आता है तो आपकी मैनेजमेंट आपके ऊपर डेफिनेटली एक्शन भी ले सकती है गाइस। इसीलिए हॉट फिक्स ना आए उतना अच्छा है, और हॉट फिक्स नहीं आएगा ऐसा कभी गाइस 100% हम लोग श्योर नहीं कर सकते कि हॉट फिक्स नहीं आएगा। आते हैं, बट गाइस क्रिटिकल फंक्शनैलिटी जो है, क्रिटिकल फंक्शनैलिटी रिलेटेड कभी भी हॉट फिक्स नहीं आना है, ये आपको मेक श्योर करना है। छोटा मोटा फंक्शनैलिटी है, समझते हैं गाइस, सब लोग समझते हैं कि मिस हो सकता है, चल जाएगा। बट गाइस कोर फंक्शनैलिटी, मेजर फंक्शनैलिटी, मुझे बताओ, अगर हॉट फिक्स मेजरली, अगर ये अमेजोन एप्लीकेशन है, आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट की ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे हो, आपके कार्ट से गाइस आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, या फिर आप विशलिस्ट में प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा कोर फंक्शनैलिटी होती है कि नहीं होती है? कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की ये कोर फंक्शनैलिटी हो जाएगी, राइट एवरीवन? तो इसमें कोई डिफेक्ट है, इसमें कोई बग है, तो ये SIT या फिर UAT में डेफिनेटली मिलना चाहिए, ये प्रोडक्शन में कभी नहीं जाना चाहिए, ये बात आप याद रखो। हाँ, इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई एट द बॉटम कोई यू नो छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, या फिर कुछ यू नो लेस यूज होने वाली चीज़ें हैं, अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, कोई लिंक वगैरह अभी जो पहले काम कर रहा था बट अभी कुछ चेंजेस की वजह से वगैरह वर्क करना बंद हो गया, इसमें से कोई एक पर्टिकुलर यू नो IMDB रेटिंग्स वगैरह है, या फिर ये ऑडियो बुक्स वगैरह है, ये लेस यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये आपसे मिस हो जाता है, चलेगा गाइस, चलेगा, नो इश्यूज, इसके रिलेटेड हॉटफिक्स आता है तो चलेगा। बट अगर आपके एप्लीकेशन का कोर फंक्शनैलिटी प्रोडक्ट सर्च है, प्रोडक्ट सर्च के बाद ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट के बाद विश लिस्ट हो सकता है या फिर ऐड टू कार्ट हो सकता है, ऐड टू कार्ट से गाइज आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हो, बाय करते टाइम आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, आप ऑनलाइन पेमेंट में वगैरह गाइज कुछ डिफेक्ट आता है, कोई डिफेक्ट आता है, तो गाइज ये सेवियर चीज़ है, ये कोर फंक्शनैलिटी रिलेटेड चीज़ें है, इसका कोई भी हॉट फिक्स नहीं आना चाहिए, दैट यू नीड टू मेक श्योर। क्लियर एवरी वन? हॉट फिक्स का मीनिंग समझ रहा है? हॉट फिक्स इज वेरी सिंपल कि जो डिफेक्ट हम SIT और UAT में मिस कर देते हैं, बट वही डिफेक्ट प्रोडक्शन में, लाइव एनवायरमेंट में एंड यूजर को मिल जाता है या फिर स्टेक होल्डर को मिलता है, तो इसके वजह से जो इशू क्रिएट होता है, इसको आप हॉट फिक्स बोलोगे। हॉट फिक्स आता है तो उसको फिक्स करने की प्रायोरिटी विल बी द हाइएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी आपके हॉटफिक्स की। आप नो मैटर आप कितने प्रायोरिटी वाले काम पे यू नो वर्क पे फोकस कर रहे हो, यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम करंट वर्क टू द हॉटफिक्स, अगर हॉटफिक्स आता है तो। और अगर आपका मैनेजर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका स्क्रम मास्टर आपको बोलता है कि गो यू हैव, मुझे पता है कि ये बग आपके वजह से यू नो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, या फिर आपने मिस नहीं किया है, वो पर्सन जिसने मिस किया तो वो छुट्टी पे है, या फिर वो किसी और प्रोजेक्ट पे चले गया है, या फिर वो अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, या फिर उसने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपका स्क्रम मास्टर, या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका डिलीवरी मैनेजर जो भी है, वो अगर आपको बोलता है कि इस हॉट फिक्स को प्रायोरिटी पे फिक्स करके दो गाइस, आप ना नहीं बोल सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा, भले वो सैटरडे हो, भले वो संडे हो, भले वो रात के 12 बजे हो, भले वो रात के 2 बज गए हो,
हॉट फिक्स आता है तो यू हैव टू फिक्स इट ऑन अ इमीडिएट बेसिस। उस टाइम पे गाइज आपका शेड्यूल वर्किंग आवर इसके बारे में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हॉट फिक्स मतलब आपके कंपनी के ऊपर एक गाइज एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और हॉट फिक्स आता है तो अगर आप अच्छे से फिक्स करके देते हो, इमीडिएट बेसिस पे फिक्स करके देते हो, स्टेक होल्डर अगर खुश हो जाते हैं तो गाइज आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड होने का चांस भी होता है, आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलने का भी चांस होता है। बट अगर हॉट फिक्स आता है और आप फिक्स करने में डीले करते हो, आप इसके ऊपर उसके ऊपर गाइज फोकस नहीं करते हो, तो स्टेक होल्डर आपसे प्रोजेक्ट भी रिटर्न ले सकते हैं और आपके कंपनी का जो नेम है, गुडविल है, इसको भी खराब कर सकते हैं मार्केट में। इसीलिए हॉट फिक्स आता है तो यू हैव टू फिक्स इट ऑन अ इमीडिएट बेसिस। क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू हॉट फिक्स? क्लियर है एवरीवन? हॉट फिक्स ईशा, हॉट फिक्स क्लियर है राइट? यस इट्स क्लियर क्लियर यस यस। सो अविनाश, यस एज यू सेड कि ये जो हॉटफिक्स है ये यूएटी एनवायरनमेंट में होता है, क्लाइंट सॉरी स्टेक होल्डर के एंड पे नहीं होता है? नो नो, द समथिंग हॉटफिक्स मतलब नहीं, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। हॉटफिक्स मतलब क्या होता है? द डिफेक्ट जो हमें मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब हॉटफिक्स जब हॉटफिक्स जो आता है वो प्रोडक्शन में आता है। हॉटफिक्स प्रोडक्शन में आता है, लाइव एनवायरनमेंट में। मतलब ये जो एप्लीकेशन है अमेज़न, ये जो एप्लीकेशन है दिस इज लाइव एप्लीकेशन। इसको ना ही एसआईटी टेस्टर टेस्ट कर रहा है, ना ही यूएटी टेस्टर टेस्ट कर रहा है। इसको यूज कौन कर रहा है? एंड यूजर कर रहा है, राइट? हम लोग यूज कर रहे हैं ये एप्लीकेशन। यूज करते टाइम अगर हमें कोई डिफेक्ट मिल जाता है, मतलब हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट एंड यूजर फाइंड आउट करता है, तो एंड यूजर अगर डिफेक्ट फाइंड आउट करता है जब लाइव सर्वर पे है, प्रोडक्शन पे वो एप्लीकेशन है, लाइव सर्वर पे एप्लीकेशन है, उसमें अगर डिफेक्ट मिलता है तो इसको आप लोग हॉटफिक्स बोलोगे। और वो हॉटफिक्स, वो जो बग है, वो डिफेक्ट है, वो आपको एसआईटी में मिलना चाहिए था या फिर यूएटी में मिलना चाहिए था, एसआईटी एनवायरनमेंट या फिर यूएटी एनवायरनमेंट में जो टेस्टर है इनको मिलना चाहिए था, बट एसआईटी टीम ने और यूएटी टीम ने दोनों ने मिस कर दिया और वो एप्लीकेशन लाइव चले गया, प्रोडक्शन में चले गया और एंड यूजर कुछ ना कुछ यूज करते ही रहते, उनको मिल गया। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसा डिफेक्ट लाइव सर्वर पे मिलता है तो उसको आप लोग हॉटफिक्स बोलोगे, ठीक है? बट इसे फिक्स तो किया जाता है एसआईटी और यूआईटी यूएटी एनवायरनमेंट में, राइट? नहीं, इसको एसआईटी टेस्टर ही फिक्स करते, यूएटी टेस्टर कभी फिक्स नहीं करते। यूएटी एसआईटी टेस्टर, यस ठीक है। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि ये जो यूएटी एनवायरनमेंट होता है या यूएटी टेस्टर्स जो होते हैं, ये भी तो स्टेक होल्डर्स के एंड पे ही होते हैं ना? हाँ, वो स्टेक होल्डर के एंड पे होते हैं, बट एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया? एप्लीकेशन को डेवलप हमने किया है, एसआईटी टीम ने किया है, करेक्ट? वी नो द फंक्शनैलिटी अबाउट दिस एप्लीकेशन, वी नो हाउ एग्जैक्टली दिस एप्लीकेशन इज बिल्ट। ये यूएटी टीम का काम नहीं है, यूएटी टीम का काम नहीं है। यस, एसआईटी में आपने मिस किया, ठीक है, एसआईटी टीम से ये यूएटी में गया। यूएटी ये क्लाइंट का एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो क्लाइंट एंश्योर करता है कि वो यूएटी टीम बनाता है टू एंश्योर कि कोई चीजें अगर एसआईटी टीम मिस करती है एटलीस्ट यूएटी टीम फाइंड आउट कर लेगी। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि यूएटी टीम एक्यूरेटली टेस्ट ही करेगी, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है। यूएटी टीम कैन मे दे मिस ऑल दिस थिंग्स। अगर एसआईटी और यूएटी ने मिस कर दिया, अगर वो लाइव सर्वर पे गया तो उसको आप हॉटफिक्स बोलोगे, ठीक है? ओके, अगर एसआईटी में मिस होता है बट यूएटी टीम को मिल जाता है तो ठीक है, यूएटी टीम उसको फिक्स कर देगी, कोई इशू नहीं है। या फिर यूएटी टीम से फिक्स नहीं होता है तो वो एसआईटी टीम को इन्फॉर्म कर देगी। बट आपके दोनों टीम ने, एसआईटी और यूएटी दोनों टीम ने मिस कर दिया और वो एंड यूजर को मिलता है, तो आपको पता है अगर एंड यूजर को ये एप्लीकेशन में अगर डिफेक्ट मिलेगा तो एंड यूजर क्या करेगा? चलो हटाओ अमेजन को, मैं चले जाता हूँ फ्लिपकार्ट पे, वो आपको रॉन्ग कमेंट वगैरह दे देंगे कि ये एप्लीकेशन इज़ वेरी बैड, दिस एप्लीकेशन आई मीन नो वन शुड यूज़ दिस एप्लीकेशन। और आपको पता है एक छोटा सा रिव्यू भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन फ्यूचर, राइट?
करेक्ट। अभी जैसे करेक्ट लेटेस्ट में वो जो मिंत्रा के साथ हुआ था, मिंत्रा का लोगो का इशू, आपको सबको पता ही होगा, राइट एवरीवन? नहीं। मिंत्रा के लोगो का इशू, आई थिंक परितोष अदर्स आप लोगों ने सुना ही होगा ना, हाँ, लोगो वो का थोड़ा इशू। फेमिनिज्म और इसके कारण हुआ यस, था। और भी अभी अभी ये बट ऑब्वियसली जो टेस्टर्स है वगैरह उन लोगों ने लोगों के ऊपर वो क्या ध्यान देंगे, बट ठीक है ये चीजें मिस हो गई। और ये मिस होने के बाद या फिर उन्होंने कभी उस एंगल से सोचा भी नहीं, और वो जो भी लेडी थी शी थॉट और शी माइट आई मीन उसने कुछ एक अलग प्रोपोगेंडा बनाया और उसने मिंत्रा के ऊपर केस कर दिया। और उसके उसके बाद आपको पता है मिंत्रा का जो भी मार्केट वैल्यू है वगैरह धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है, हुआ था गाइस। हाँ ठीक है धीरे धीरे दे विल रिकवर, बट ऐसे कुछ इंस्टेंस आते हैं, हॉटफिक्स अगर आते हैं तो दे यू नो दे अफेक्ट्स अ लॉट, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है तो ऐसी चीजें हॉटफिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना। ओके रेवती वर्षा कोई क्वेरीज है? पूजा नो ईशा सर, सर हॉटफिक्स क्लियर राइट? ओके देन हॉटफिक्स यस के सर, बाद एक सीआर करके कंसेप्ट आता है। सीआर सीआर को बोलते हैं हम लोग चेंज रिक्वेस्ट, चेंज रिक्वेस्ट। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट दिया था, आपको जो स्टेक होल्डर ने रिक्वायरमेंट दिया था, रिक्वायरमेंट देते टाइम उसने खुद ने रिक्वायरमेंट मिस कर दिया हो, कोई फीचर वगैरह आपको आपके प्रोडक्ट ओनर को जब सारे रिक्वायरमेंट उसने बोले थे रिक्वायरमेंट में ही स्टेक होल्डर या फिर आपके जो क्लाइंट है वही रिक्वायरमेंट देने में ही गलती करता है। तो गाइज अगर रिक्वायरमेंट ही अगर स्टेक होल्डर ने प्रॉपरली नहीं दिया है तो आपका प्रोडक्ट ओनर उसको बट ऑब्वियसली मिस कर देगा, डेवलपमेंट टीम उसको डेवलप ही नहीं करेगी तो टेस्टिंग टीम क्या ही टेस्ट करेगी। तो चेंज रिक्वेस्ट गाइस, चेंज रिक्वेस्ट मतलब डेवलपर सॉरी नॉट डेवलपर आपके स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कोई चीजें मिस कर देते हैं और उनको बाद में आ जाता है कि एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर चले जाने के बाद, लाइव सर्वर या फिर कहीं पे भी जाने के बाद, एप्लीकेशन लाइव सर्वर पे है उसके बाद कोई एंड यूजर उनको बोलता है कि ये न्यू फीचर होना चाहिए, ये कुछ न्यू फीचर होना चाहिए, या फिर स्टेक होल्डर को बाद में याद आता है या फिर उसको ऐसा लगता है उनका बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होता है, वो लोग बोलते हैं कि हमें ये न्यू फीचर ऐड करके चाहिए। तो गाइस चेंज रिक्वेस्ट आता है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। चेंज रिक्वेस्ट आता है तो ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट मतलब स्टेक होल्डर जो है, कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, उन्होंने न्यू फीचर्स के बारे में आपको रिक्वेस्ट किया है। अगर आपको रिक्वेस्ट किया है तो उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा क्या गाइस? कभी भी नो, उसका प्रायोरिटी उतना हाईएस्ट नहीं रहेगा। अगर आप फ्री हो, आपकी टीम अगर फ्री है तो ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट को अगर हम लोग अभी काम कर सकते लाइक प्रायोरिटी पे काम कर सकते तो ठीक है, हम लोग चेंज रिक्वेस्ट को इस स्प्रिंट में ले लेंगे। अगर हम लोग बिजी है, एंटायर टीम इज बिजी, हम बहुत इम्पोर्टेंट यू नो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बोल देंगे स्टेक होल्डर को कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू कवर दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट या फिर पर्टिकुलर फीचर्स आप लोग जो ऐड करना चाहते हो इनको इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में हम लोग ऐड नहीं कर सकते, कैन वी टेक इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, अगर उतना ज़्यादा यू नो उतना ज़्यादा अगर आपको सीरियस या फिर उतना ज़्यादा अर्जेंट नहीं होगा तो कैन वी टेक इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। अगर स्टेक होल्डर बोलता है कि नो नो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ट्राई टू टेक इट इन दिस स्प्रिंट या फिर प्लीज़ ट्राई टू फिनिश इन दिस स्प्रिंट ओनली, तो ठीक है आप अगर पॉसिबल है तो चेंज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो, नहीं पॉसिबल है तो आप बोल दो कि यू कैन फिक्स इट और यू कैन वर्क ऑन इट इन द नेक्स्ट स्प्रिंट या फिर अपकमिंग डेज में आप इसके ऊपर काम करोगे। ठीक है तो गाइस चेंज रिक्वेस्ट मीन्स इट इज वेरी सिंपल दैट क्लाइंट और स्टेक होल्डर, क्लाइंट और स्टेक होल्डर डिमांड्स डिमांड्स फॉर न्यू न्यू फीचर्स और फीचर्स विच दे हैवंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग।
उन लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टाइम पे दे हैवंट स्पेसिफाइड, दे हैवंट गिवन दीज ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू द ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू द आपके प्रोडक्ट ओनर को, उन्होंने ये सारे रिक्वायरमेंट नहीं बनाए थे। अगर क्लाइंट या फिर स्टेक होल्डर डिमांड करता है न्यू फीचर्स की या फिर फीचर्स की विच दे हैवंट गिवन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आपके पास आते हैं तो वी कैन टेक इट ऑन प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी पे भी लिख सकते हो, या फिर वी कैन कीप देम ऑन होल्ड, वी कैन कीप देम ऑन होल्ड डिपेंडिंग अपॉन आर अवेबिलिटी, हमारा जो अवेबिलिटी रहेगा गाइस, टीम का जो अवेबिलिटी रहेगा, अवेबिलिटी के हिसाब से हमारे अवेबिलिटी के हिसाब से लाइक वी कैन टेक इट। सो चेंज रिक्वेस्ट आता है गाइस, आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपका इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है? तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके एवरीवन, एनी क्वेश्चन हियर चेंज रिक्वेस्ट में? तो प्रोडक्शन इश्यूज जो होते हैं, प्रोडक्शन इश्यूज में ये दो चीजें आपको याद रखनी है, प्रोडक्शन इश्यूज में दो चीजें आ सकती है, एक हॉटफिक्स एंड एक चेंज रिक्वेस्ट। हॉटफिक्स आता है तो ये आपकी गलती है बिकॉज आपने मिस किया था डिफेक्ट को, चेंज रिक्वेस्ट आता है तो वो स्टेक होल्डर या फिर क्लाइंट की गलती है, या फिर उनको बाद में याद आया या फिर उनको बाद में रिक्वायरमेंट हुआ, तो उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट नहीं होता, ठीक है? दैट्स इट गाइस, ये दो प्रोडक्शन इश्यूज है, ये आप लोगों को याद रखने हैं, ये प्रोडक्शन में चीजें होती है, प्रोडक्शन में ये दो ही चीजें आ सकती है, या तो हॉटफिक्स आता है या तो चेंज रिक्वेस्ट आता है। ओके एवरीवन, हॉटफिक्स या फिर चेंज रिक्वेस्ट, ये दो चीजें याद रखो। नाउ गाइस, नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज नथिंग बट हम लोग कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे, दैट इज कुछ टेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज, या फिर सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते गाइस, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बग वगैरह क्या होता है, एरर क्या होता है, सबसे पहले कुछ टर्म्स गाइस, फ्यू टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, द टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नथिंग बट बग एंड डिफेक्ट के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, बग और डिफेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो हमें अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहले जो पार्ट आता है दैट इज नथिंग बट द पार्ट दैट वी हैव सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट सबसे पहले हमें जो टर्म अंडरस्टैंड करना है दैट इज नथिंग बट द एरर। तो गाइस, एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब इट इज वेरी सिंपल कि प्रोग्रामिंग जो मिस्टेक होता है इसको आप लोग एरर बोलते हो। सो प्रोग्रामिंग मिस्टेक गाइस, एनी प्रोग्रामिंग मिस्टेक इज कंसिडर्ड एज एन एरर, आपको ये एरर कंसिडर होता है। तो गाइस, जैसे हम लोग कुछ कोड कर रहे हैं, कोड में अगर हम लोग कुछ मिस्टेक कर देते, जैसे कि ओपनिंग करली ब्रैकेट एंटर करना ही मिस कर देंगे, हम लोग सेमी कलन कहीं पे मिस कर देंगे, तो गाइस ये क्या हुआ? ये एरर हुआ, राइट? ये प्रोग्रामर जो डेवलपर था, डेवलपर अगर कुछ प्रोग्रामिंग मिस्टेक करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एरर। तो गाइस, जनरली एरर इज रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग, एरर इज रिलेटेड टू योर कोड, एनी प्रोग्रामिंग मिस्टेक इज कंसिडर्ड एज एन एरर, इसको एरर बोलते हैं गाइस, प्रोग्रामिंग जो मिस्टेक होता है इसको एरर बोलते हैं। एरर डेफिनेटली आप लोग याद रखना, एरर्स आर जनरली
जनरली रिलेटेड रिलेटेड टू रिलेटेड टू कोड. एरर्स जो होते हैं वो जनरली आपके कोड रिलेटेड होते हैं. ठीक है गाइस, एरर्स जो होते हैं, एरर्स आर रिलेटेड टू योर कोड. एरर्स डेफिनेटली आपके कोड रिलेटेड होते हैं. वो प्रोग्रामिंग में जो मिस्टेक आता है, कोई सेमी कॉलन मिस हो गया, कोई कर्ली ब्रैकेट मिस हो गया, कहीं पे इफ कंडीशन में आपने कंडीशन रॉन्ग दे दिया, कंडीशन कोई प्रॉब्लमेटिक हो गया गाइस, दीज आर ऑल एरर्स. ये सारे एरर्स है. और गाइस एरर्स को डेवलपर ही फिक्स करता है. एरर को डेवलपर ही फिक्स करता है. हमें एरर्स के बारे में डिस्कस देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसके कोडिंग में एरर है तो अगर प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, अगर कोड में एरर है तो आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं होगा. ये बात आप लोग याद रखना. तो अगर कोड में कुछ एरर आता है तो दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड बाय डेवलपर ओनली. उसको डेवलपर ही फिक्स करता है, डेवलपर ही उसको रेक्टिफाई करता है. बट गाइस नेक्स्ट जो टर्म हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट. द टर्म इज बग. ये जो टर्म है दिस इज द बग गाइज. ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है. इतने दिन हो गया हम लोग बग बग करके डिस्कस कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली बग मतलब होता क्या है. सो गाइज बग इज नथिंग बट वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट. वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट. आपका जो गाइस आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, इसके बीच में जो वेरिएशन होता है, इस वेरिएशन को आप लोग बग बोलोगे. दिस इज बग. ओके गाइस लेट्स ट्राई विद द एग्जांपल. सो लेट्स से अगर हम लोग ये ऑरेंज एचआरएम ये साइट है. हियर गाइस इस पर्टिकुलर साइट पे मुझे लॉग इन करना है. ऑन दिस पर्टिकुलर साइट मुझे लॉग इन करना है. ये लॉग इन करते टाइम गाइज यहाँ पर यूजर नेम एंटर करना है. तो हम लोगों ने यूजर नेम एंटर किया, करेक्ट यूजर नेम एंटर किया, हम लोगों ने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया. गाइज यूजर नेम करेक्ट है, पासवर्ड करेक्ट है. तो अगर आप वैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू लॉग इन. आप एप्लीकेशन में लॉग इन होने चाहिए. अगर आप एप्लीकेशन पे लॉग इन हो रहे हो दैट्स गुड, कोई एरर नहीं है. बट आप वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहे हो, आप वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहे हो, बट एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एट ऑल. आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है. डायरेक्टली बोल रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स. ऑल दो आप लोगों ने पासवर्ड रिसेट किया, फिर भी आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स एंटर कर रहा है. गाइस आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि अगर आप वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड एंटर करते हो तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है यू शुड बी लॉग्ड इन. बट एक्चुअल में क्या आ रहा है गाइस, आप वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहे हो, आप वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहे हो और लॉग इन बटन पे क्लिक करने के बाद ये घूम रहा है, ये प्रोसेस ही हो रहा है, ये लोड हो रहा है. एप्लीकेशन आपको होम पेज पे या फिर उसके इसके इस एप्लीकेशन के अंडर आपको एंटर करने का अंडर एप्लीकेशन के अंडर एंटर करने का परमिशन नहीं दे रहा है. तो गाइस दिस इज द वेरिएशन इन बिटवीन योर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट. सो एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में जो वेरिएशन होता है, डिफरेंस जो होता है, इसको आप लोग बग बोलोगे. ठीक है जनरली गाइस हमारा काम क्या होता है, टेस्टर हैज टू फाइंड मैक्सिमम बग्स प्रेजेंट इन एन एप्लीकेशन. तो हम जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं गाइस, जो एप्लीकेशन हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर जो बिल्ड हम लोग टेस्ट कर रहे हैं गाइस, इसके अंडर हमें मैक्सिमम बग फाइंड आउट करने का काम टेस्टर का होता है. टेस्टर इज गोइंग टू फाइंड दीज बग्स. सो गाइस बग हम लोग रिपोर्ट किसको करते हैं, टेस्टर रिपोर्ट्स दीज बग्स. जो बग्स हमें फाइंड आउट होते हैं, टेस्टर रिपोर्ट्स दीज बग्स टू द डेवलपर. जो रिस्पेक्टिव डेवलपर होता है, ये डेवलपर को बग रिपोर्ट किया जाता है गाइस. दीज आर द सम टर्म फ्यू टर्म्स जो हमें अंडरस्टैंड करने रिलेटेड टू बग.
अभी गाइस वर्क के बाद वी हैव अनदर टर्म दैट इज नथिंग बट डिफेक्ट. अब ये डिफेक्ट क्या है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. डिफेक्ट तो आपको ऐसा लगेगा कि बग और डिफेक्ट दोनों सेम है. नो, दोनों अलग अलग है. डिफेक्ट और बग अलग अलग है. दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस नाउ. ठीक है, हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे. डिफेक्ट गाइस, डिफेक्ट क्या होता है? सो सिंपली डिफेक्ट गाइस, बग क्या था? बग इज अ वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट. गाइस आपको बग मिल गया, यू फाउंड द बग. इट गाइस आपको बग मिला, क्या इसका मीनिंग ऐसा है कि वो बग है? गाइस ऐसा भी हो सकता है, आप जब एप्लीकेशन यूज कर रहे थे तब एप्लीकेशन मे बी डाउन, वो एप्लीकेशन में बग नहीं है. वो एप्लीकेशन माइट बी आपके एंड पे प्रॉपरली नहीं चल रहा है बट डेवलपर के एंड पे प्रॉपरली चल रहा है. या फिर आपके कलीग गाइस, आप टीम में 3-4 टेस्टर हो, बाकी टेस्टर्स जो है आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो कलीग है, उनके मशीन पे वो बग नहीं है बट आपके मशीन पे वो बग आ रहा है. सो गाइस बग इट डजंट मीन कि वो डिफेक्ट है. बग मतलब आपको लग रहा है कि दिस इज द वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट बट गाइस इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिला है कि वो बग ही है. तो गाइस जब आप बग को रिपोर्ट करते हो, व्हेन टेस्टर रिपोर्ट्स बग्स टू द डेवलपर गाइस, डेवलपर क्या करता है? डेवलपर या तो आपका बग एक्सेप्ट कर सकता है या तो वो रिजेक्ट कर सकता है. अगर डेवलपर ने आपके बग को रिजेक्ट कर दिया, इट डजेंट मीन कि वो डिफेक्ट है. बट अगर डेवलपर ने आपके बग को एक्सेप्ट कर लिया, डेवलपर ने मान लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है एप्लीकेशन में, ये जो आपने फाइंड आउट किया वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ये जो आपने फाइंड आउट किया, हाँ ये सच में बग है. अगर डेवलपर आपके बग को एक्सेप्ट करता है, व्हेन टेस्टर रिपोर्ट्स बग्स टू द डेवलपर एंड डेवलपर एक्सेप्ट द बग देन इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट. कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट, उसको डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है. गाइस आपको बग मिला, इट डजेंट मीन कि वो एप्लीकेशन में बग है, वो शायद फीचर भी हो सकता है. आपको बग मिला इट डजेंट मीन कि वो बग है. गाइस आपको लग रहा है वो बग है, वो बग के एविडेंसेस आप लोगे, जहां पर आपको बग मिलेगा उसका स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप कोई ना कोई गाइस एविडेंसेस कलेक्ट करोगे कि जब मैं एप्लीकेशन टेस्ट कर रहा था, मैंने ऐसे ऐसे करने पे, ये इनपुट डालने पे ये एरर मिल रहा है, और मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था बट एक्चुअल रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है. दिस कैन बी डिफेक्ट, कैन यू प्लीज कंफर्म? आप डेवलपर को बोलते हो कि मैंने ये बग फाइंड आउट किया है, प्लीज चेक क्या ये सच में बग है क्या. अगर डेवलपर चेक करता है और डेवलपर एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमसे ये मिस्टेक हुआ है, ये बग है, ये फीचर नहीं है, अगर डेवलपर आपके बग को एक्सेप्ट करेगा तो आप लोग उसको क्या बोलोगे गाइस? इसको क्या बोलोगे? इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट. गाइस बग में और डिफेक्ट में डिफरेंस क्लियर है एवरीवन? किशन, रवि, बग और डिफेक्ट में डिफरेंस क्लियर है राइट? यस सर. बग मतलब टेस्टर को लग रहा है कि ये बग है बट डेवलपर को लग रहा है कि दिस इज नॉट द बग, वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा ये बग नहीं है, प्लीज चेक, आप फिर से एक बार चेक करो, ये बग नहीं है. ऐसे होता है गाइस, ऐसे होता है. अगर आपको लग रहा है कि ये बग है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यू हैव टू मेक श्योर कि वो बग है, और बग लेके आपको रिपोर्ट करना होता है टू द डेवलपर, और डेवलपर इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है. अगर डेवलपर ने रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स कि वो बग नहीं है और वो उसके ऊपर काम नहीं करने वाला है. बट डेवलपर ने अप्रूव किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बग है, हम इसको फिक्स करके आपको देंगे,
तो गाइज उस टाइम पे आप उसको बोलोगे डिफेक्ट, उसको आप लोग बोलोगे डिफेक्ट। तो गाइज कभी कभी आप लोग बग वर्ड यूज करते हो, कभी कभी आप लोग डिफेक्ट यूज करते हो, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट फॉर अस गाइज बग का और डिफेक्ट का मीनिंग सेम नहीं है। यू हैव टू बी श्योर कि बग और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है। बग मतलब आपने बग आइडेंटिफाई किया है, आप इसको बग ही बोलोगे। अनलेस एंड अनटिल डेवलपर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तब तक आप लोग उसको बग बोलोगे। जिस टाइम पे डेवलपर उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, जिस टाइम पे डेवलपर उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बग है, ये हमारे से मिस हो गया, ये हमने चेक ही नहीं किया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर डेवलपर बोलता है कि हाँ ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम इसको आपको फिक्स करके देंगे, तभी आप इसको डिफेक्ट बोलोगे, अदरवाइज आप उसको डिफेक्ट नहीं बोलोगे। क्लियर एवरीवन? वर्षा, देवती, डिफरेंस क्लियर है? पूजा, परितोष, निशा, बग और डिफेक्ट में बग और एरर तो सेम ही रहेगा ना? नहीं, बग मत एरर मत बग और एरर में क्या डिफरेंस होता है ना? मेरे पति ऐसा है सर, मतलब जिधर बग रहेगा तो बग प्रोग्रामिंग एरर की वजह से ही रहेगा ना? करेक्ट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है रवि। जस्ट अ मिनट, यस आप करेक्ट बोल रहे हो, जो प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स है, प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स के वजह से ही बग आ सकता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग मिस्टेक के वजह से ही बग आएगा। बग आने के और भी रीजंस हो सकते हैं, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट जनरली वो कोड के वजह से आता है। बट जनरली अगर एरर आता है ना, एरर इसको डेवलपर खुद ही फिक्स करता है। मतलब मान के चलो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ और इस इक्लिप्स में मुझे कुछ एरर आता है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। गाइस यहाँ पर मान के चलो ये हमारा कुछ प्रोग्राम है, यहाँ पर हम लोग क्लास क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, लेट्स से हमारे क्लास का नाम है डेमो, ये डेमो नाम का क्लास है, ठीक है। मेन मेथड वगैरह मैंने क्रिएट किया, डेमो बग या फिर डेमो एरर, ऐसा मैं कुछ क्लास क्रिएट कर दिया हूँ, डन फिनिश गाइस। ये डेमो एरर नाम का क्लास है, यहाँ पर गाइस हम लोग कुछ कोड वगैरह कर रहे हैं, डेवलपर कुछ कोड कर रहा है। अभी यहाँ पर आप इंटीजर इंटीजर ए डिक्लेयर किए हो और सेमी कॉलन ही नहीं दिए, आप चले गए आगे, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस रवि, ये क्या है? प्रोग्रामिंग मिस्टेक, एरर, मिस्टेक है ना, एरर है। तो ये एरर इसको फिक्स करना ही पड़ेगा ना, डेवलपर को फिक्स करना ही पड़ेगा। टेस्टर टेस्टर कभी भी जाके कोड नहीं देखता है। आप लोग गाइस आप लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप डिफरेंस याद करोगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाया था। गाइस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर करता है। डेवलपर उसमें कोडिंग मिस्टेक्स, डेवलपर चेक्स हिज ओन कोड, कोड कवरेज, लूप कवरेज। लूप कवरेज अभी आपको समझ रहा होगा, लूप मतलब फॉर लूप वगैरह, व्हाइल लूप अभी आएगा इन फ्यूचर में, तो लूप, ये लूप। ब्रांच कवरेज मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट कि कौन से ब्रांच में जाएगा कौन से ब्रांच में नहीं जाएगा, ये ब्रांच कवरेज, लूप कवरेज, कोड कवरेज, ये सारी चीजें डेवलपर चेक करता है। अगर डेवलपर को कुछ एरर दिखता है वहां पे, तो डेवलपर हैज टू फिक्स इट इमीडिएटली। और अगर ये कोड में कुछ एरर है ना, ये कोड में कुछ एरर है, तो ये कोड रन ही नहीं होगा, ये एप्लीकेशन वर्क ही नहीं करेगा, ये याद रखना। क्लियर रवि? Yes, अगर ये एप्लीकेशन, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं जैसे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये स्टेटमेंट तो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ऐसे मैंने लिखा तो, बट यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन ही नहीं दिया, ये मिस्टेक है। अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करने जाऊंगा तो ये आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। तो दिस इज
दिस इज अ मिस्टेक, ये प्रोग्रामिंग मिस्टेक है, और ये प्रोग्रामिंग मिस्टेक जब कोड करते रहता है, डेवलपर कोड करते रहता है, उसी को उसी टाइम पे आती है और डेवलपर उसी टाइम पे उसको फिक्स कर देता है. सो एरर इज नथिंग बट द प्रोग्रामिंग मिस्टेक. और जनरली प्रोग्रामिंग मिस्टेक कोड रिलेटेड अगर वो कुछ मिस्टेक करता है, डेवलपर उसको फिक्स करने का खुद ही ट्राई करेगा अगर एरर आते हैं तो. बट अभी आपके प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक नहीं है, सेमी कोलन एंड ऑल सारी चीज़ें सही है, बट आपने लॉजिक गलत लिखा. गाइस आपको, आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, अगर आप 200 के लेस वाला प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो, अगर प्रोडक्ट की प्राइस 200 से लेस है तो उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस ऐड होने थे 30 रुपीज. अगर प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपीज से लेस है तो गाइस फॉर एग्जांपल चलो हम लोग कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम लोग मोबाइल कवर वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं. गाइस मोबाइल मैं कवर ऑर्डर कर रहा हूँ, और ये जो मोबाइल कवर ऑर्डर कर रहा हूँ ये मान के चलो ये फॉर एग्जाम्पल 139 रुपीज का है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये 39 रुपीज का है, 139 रुपीज का है, तो इसके ऊपर डिलीवरी चार्ज ऐड होना था कि नहीं होना था? 30 रुपीज ऐड होना था कि नहीं होना था? होना था. बट आपने जो कंडीशन लिखा है ये 139 रुपीज के ऊपर डिलीवरी चार्ज ऐड ही नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ? ये प्रोग्रामिंग मिस्टेक है. हाँ प्रोग्रामिंग मिस्टेक है, बट ये एरर नहीं है, दिस इज नॉट द एरर. ये क्या है? आपका जो प्रोग्रामिंग मिस्टेक है इसके वजह से क्या है? ये बग है. आपका प्रोग्राम लॉजिकली जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो गलत लिखा है, ये आप प्रूफ कर रहे हो. दिस इज द बग कि ये 139 रुपीज के प्रोडक्ट पे 30 रुपीज डिलीवरी चार्ज ऐड होना था, बट ये ऐड नहीं हो रहा है, ये ऐड करके नहीं ले रहा है. तो गाइस दिस इज बग, ये आपका बग है. क्लियर? मतलब इसमें व्हाट डज दिस मीन कि इनकम्प्लीट कोड है अगर तो भी बग आ सकते हैं, राइट? ये हो सकता है ना? यस, इनकम्प्लीट कोड है या फिर कोड को आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, डेवलपर ने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, इन दैट केस बग विल बी देयर इन योर एप्लीकेशन. उस टाइम पे आपके एप्लीकेशन में बग होंगे. और जो कोडर है गाइस, डेवलपर है, वो कोड कर रहा है, वो भी इंसान है, और वो उस टाइम पे कोडिंग करते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक डेफिनेटली करेगा, और डेफिनेटली करता है. हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे मिस्टेक्स होती है. बट गाइस एरर अगर आते हैं तो एरर डेवलपर को खुद को समझ जाते हैं, एरर वो उसी टाइम पे फिक्स कर लेगा. बट बग गाइस, बग कोई मिस्टेक्स नहीं है, एरर्स नहीं है, लॉजिक उसने लिखा है, बट लॉजिक लिखा जो है उसके हिसाब से वो लॉजिक उसने करेक्ट लिखा था, बट जब रियलिटी में वो जब वर्क कर रहा है, वो कोड जब वर्क कर रहा है, तब उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको आप लोग बग बोलोगे. कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि अगर 139 रुपीज का प्रोडक्ट है तो 139 रुपीज के ऊपर 30 रुपीज का डिलीवरी चार्ज ऐड होना चाहिए, प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्टिंग 169 रुपीज होना चाहिए, बट एंड यूजर को प्रोडक्ट कॉस्टिंग 139 रुपीज ही जा रहा है. चलो ये अगर आप मिस करते हो, ये चले जाता है प्रोडक्शन में, एंड यूजर तो खुश हो जाएगा, यार मुझे 139 के प्रोडक्ट के ऊपर मुझे कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. बट आपके बिजनेस का ये लॉस है कि नहीं है? यस एवरीवन, दिस इज द लॉस फॉर योर बिजनेस. तो स्टेक होल्डर विल बी वेरी एंग्री ऑन यू कि आपने मिस कैसे किया, ये हॉटफिक्स है. सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स गाइज विल बी देयर. सो बग इज वेरी सिंपल, बग मतलब है कि वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट. और जो डेवलपर ने कोड किया गाइस, डेवलपर के कोड में मिस्टेक्स आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, आप बोल रहे हो डेवलपर को तूने जो कोड किया है वो गलत है, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, बट गाइस इनडायरेक्टली आप बग रिपोर्ट कर रहे हो. गाइस अगर मैं डेवलपर हूँ, सोचो अगर मैं डेवलपर हूँ और आप लोग सब लोग टेस्टर हो, मैंने जो कोड किया है वो एप्लीकेशन मैंने आपको टेस्ट करने दिया, और आपने टेस्ट करते टाइम आपको कुछ उसमें वेरिएशन मिला, वो लेके आप मेरे पास आ गए, यार अविनाश तूने क्या कोड किया है, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना? आप बोलोगे कि मैं टेस्ट करते टाइम
मुझे ये नजर आया, प्लीज चेक ये डिफेक्ट है क्या, क्या ये बग है क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, तो गाइस अगर ये मेरी मिस्टेक है मतलब वो डिफेक्ट हो गया। मैंने अग्री किया कि दिस इज माय मिस्टेक, ये मैंने लॉजिक लिखते टाइम शायद मैंने कुछ गलत किया है, दिस इज डिफेक्ट। बट मुझे बताओ हर टाइम पे क्या डेवलपर अग्री करेगा कि ये मेरी मिस्टेक है? वो तो अवॉइड ही करेगा ना कि ये मेरी मिस्टेक नहीं है, तो वो आपके बग को रिजेक्ट करने ही जाएगा। तो गाइस मे बी जस्ट अ मिनट गाइस, मे बी आपको बहुत सारे बग मिलेंगे, यू मे विटनेस लॉट ऑफ बग इनटू एन एप्लीकेशन, बट सारे के सारे बग डेवलपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिन बग को डेवलपर ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको फिर से रीचेक करना है कि आपकी तो गलती नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बग है, आप फिर से जाओगे डेवलपर के ऊपर, डेवलपर के पास, डेवलपर को फिर से कन्विंस करोगे ये भाई ये बग है प्लीज चेक करो। डेवलपर को मनाने के लिए ट्राई करना पड़ेगा, आपको कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना पड़ेगा, अगर हमने ये बग मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। तो गाइस इसीलिए डेवलपर एंड टेस्टर इनका गाइस ये इन लोगों का रिलेशन है ना, ये लोग अपने आप में क्रॉस होते हैं। डेवलपर और टेस्टर कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली याद रखना। डेवलपर एंड टेस्टर भले कितना अच्छा दिखाए आपको, बट ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपर के राइवल्स होते टेस्टर्स और टेस्टर्स के राइवल्स होते डेवलपर्स, क्योंकि एक दूसरे का मिस्टेक्स हाईलाइट करने का ट्राई करते वो लोग। बट गाइस एनीवेज लेट्स नॉट गेट आउट ऑफ द टॉपिक। बग मतलब क्या है? द वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आप जो डेवलपर ने कोड किया होगा उसका मे बी लॉजिक, या फिर उसने लॉजिक बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, या फिर प्रॉपरली लॉजिक नहीं बना, इसके वजह से आपको बग इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर ऐसा बग इंट्रोड्यूस होता है यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द डेवलपर। डेवलपर को आप रिपोर्ट करोगे सच सॉर्ट ऑफ बग्स, और डेवलपर अगर उसको एक्सेप्ट करता है, अग्री करता है कि यस ये मेरी मिस्टेक्स है, तब जाके आप उसको डिफेक्ट बोलोगे, अदरवाइज आप उसको डिफेक्ट नहीं बोलोगे। तीनों चीजें क्लियर है गाइस? एरर, बग, डिफेक्ट। निशा Error term related to only developer and bug term related to tester. Correct. मतलब ये error, bug, defect ये तीनों developer से related ही है, but errors जो है errors हम लोग कभी कोड नहीं देखते। टेस्टर का काम कभी भी developer ने क्या कोड किया है इसको देखना नहीं है, this is not our work. ये white box testing developer खुद करता है, but ये अगर एप्लीकेशन बना है, ये एप्लीकेशन का जो यूआई वगैरह है, ये यूआई चेक करना, ये सारी फंक्शनैलिटी को चेक करना कि फंक्शनैलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको टेस्ट करना, इसको आप लोग बोलते हो। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको आप लोग बोलोगे बग, और ये बग आप रिपोर्ट करोगे डेवलपर को। डेवलपर अग्री करेगा तो वो डिफेक्ट है, डेवलपर अग्री नहीं करेगा तो वो डिफेक्ट नहीं है, आपको उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। वो जो भी आपने बग फाइंड आउट किया उसको आप बोल दोगे कि यार ये शायद मेरी मिस्टेक थी, लाइक दिस। क्लियर रवि? यस सर, यस। अदर्स, किशन कोई क्वेरी? वर्षा, पूजा, नो सर। नो सर, क्लियर है राइट? ये तीनों टॉप। परितोष, यस, कोई कंफ्यूजन तीनों में? क्या अभी भी तीनों सेम लग रहा है? बिल्कुल लग सकता है गाइस, मुझे भी लगता था बहुत, मतलब जब मैं भी खुद ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरे डिप्लोमा में पढ़ा था, तो ये मुझे तीनों चीज़ें सेम ही लगती थी। यार एरर भी तो सेम है, बग भी तो सेम है, डिफेक्ट भी तो सेम है, क्यों मैं एक ही चीज़ को तीन अलग अलग नाम बोलूँ? बट गाइस ये तीनों अलग सेम नहीं है, ये अलग अलग है, दीज आर ऑल डिफरेंट टर्म्स। ओके, देन नेक्स्ट थिंग जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नथिंग बट इशूज। द लास्ट वन इज इशूज। गाइस थोड़ी देर पहले हमने प्रोडक्शन इश्यूज के बारे में डिस्कस किया, करेक्ट एवरीवन? प्रोडक्शन इश्यूज, तो इश्यूज मतलब क्या? इश्यूज मतलब नथिंग बट द हॉट फिक्स। इशू इज नथिंग बट द
हॉटफिक्स मतलब गाइस द बग और द डिफेक्ट, बग और द डिफेक्ट, डिफेक्ट मिस्ड इन एसआईटी, मिस्ड इन एसआईटी एंड यूएटी, बट इट but it got introduced or it has been found by the end user at the production environment. इसको आप लोग issue बोलोगे, bug or the defect which is missed, which is a defect missed in SIT, missed in SIT and UAT, but found it या फिर but end user and user found it in production. अगर ये production में end user या फिर stakeholder, end user या फिर stakeholder को ये मिल गया production environment में, अगर production environment में मिलता है तो इसको आप लोग issue बोलोगे, which is nothing but guys hotfix. The bug or defect missed in SIT and UAT, but it been found, but end user or stakeholder found it in a production is called as an issue. So guys, issue is nothing but hotfix. Issue ka hi dusra word hai hotfix. Agar hotfix aata hai, matlab ki aapne आपको इशू क्रिएट होगा गाइस, और इसीलिए इसको इशू बोला जाता है. ये इशू तभी होगा क्योंकि आपने बग या फिर डिफेक्ट एसआईटी में या फिर यूएटी में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, आपको ये मिलना चाहिए था, बट आपने मिस किया, बट ये मिल गया एंड यूजर को लाइव एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो आप इसको हॉट फिक्स बोलोगे. इशूज गाइस, तो इशूज मतलब जिन डिफेक्ट को, जिन बग्स को हम लोग मिस कर देते हैं एसआईटी में, बट ये आगे जाके एंड यूजर को या फिर स्टेक होल्डर को प्रोडक्शन में अगर मिलते हैं तो इनको आप इश्यूज बोलोगे. सो दीज आर द टर्म्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एरर्स, बग्स, डिफेक्ट्स एंड इश्यूज. गाइस हर एक चीज़ अलग अलग है, एक ही चीज़ कहीं ना कहीं पे जाके अलग अलग टाइम पे इंट्रोड्यूस होती है. एरर डेवलपर को ही मिलता है, डेवलपर इसको फिक्स करता है, बट वही एरर प्रोग्रामिंग एरर अगर डेवलपर मिस कर देता है या फिर लॉजिक कुछ गलत लगा देता है, उसके वजह से बग आइडेंटिफाई होता है. अगर बग मिलता है, वेरिएशन मिलता है, तो आप रिपोर्ट करोगे डेवलपर को, डेवलपर एक्सेप्ट करता है तो डिफेक्ट है, नहीं करता है तो गाइस आपको उसके ऊपर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है उसने एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि डेवलपर अगर आपके बग को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, आप कैसे उसको कन्विंस करोगे या फिर उसको कैसे कन्वे करोगे कि नहीं बाबा ये बग ही है, ये डिफेक्ट है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप कैसे उसको विदाउट गाइस विदाउट एनी यू नो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट आप उसको कैसे प्रूफ करोगे कि ये बग है, ये फीचर नहीं है, ये कैसे प्रूफ करोगे. ये भी एक इंटरव्यू, फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर ऑन. ठीक है, ओके गाइस, बग और डिफेक्ट आप मिस करते हो, बट ये जाके आगे जाके प्रोडक्शन में अगर मिलता है तो आप इसको इश्यूज कंसिडर करोगे. दैट्स इट गाइस, विल स्टॉप इट हियर. तो कल हम लोग बग या फिर ये जो डिफेक्ट है इसका लाइफ साइकिल देखेंगे. ये बग या फिर डिफेक्ट जो होता है इसका लाइफ साइकिल हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे. ओके okay?